मंगो पीर में आल कराची लाल शहबाज कलंदर फुटबॉल टूर्नामेंट मूसा लाशारी और बादशाह खान फुटबॉल के दरमियान खेला गया। इफ्तदाई तकरीब में शहर भर से मेहमानों ने शिरकत की। प्रोग्राम के सरपरस्त आला अब्दुल मजीद खासकेली थे। मजीद खासकेली मेरा नाम है और हमेशा हम जो है स्पोर्ट्स की सरगर्मी में सारे पेरस रहते हैं। ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट जो हम हर साल चलाते हैं, आज भी मंगोपीर के इस ग्राउंड के अंदर जो टूर्नामेंट नज़र आए, पूरी कराची से 68 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं और ये हमारा साल का इवेंट होता है। और हमारी ख्वाहिश है कि इस ग्राउंड के अंदर हम एक अजीम शान एक स्टेडियम तामीर करना चाहते हैं और उस हवाले से मंगोपीर के नौजवान इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर स्पोर्ट की सरगर्मियाँ जारी सारी रहें और हमारे तमाम नौजवान हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह अनकरीब हम सिंध और बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट का इनकाद करेंगे। इस कराची टूर्नामेंट आल कराची लाल शाहबाज फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मंगोपीर के सारे क्लब्स और आवाम और जो है इस टूर्नामेंट का जो है बहुत बड़ा जो है लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। हम मिलकर इंशाल्लाह फुटबॉल की खिदमत करेंगे और इलाके से जो है बुराई का खात्मा करेंगे, मुंशियत का खात्मा करेंगे। हमारी अव्वल दिन से कोशिश रही है कि हम जो है स्पोर्ट के ज़रिए इलाके से जराइम का खात्मा हो, मुंशियात का खात्मा हो और दीगर बुराई का खात्मा हो। यह है कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे जो भी बंदे जो है ना यहाँ के सियासी भी जो भी है उसको जो है ना इस ग्राउंड को सियासी निगाहों से देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि बराए मेहरबानी इसको सियासी नज़र से नहीं जीता। अगर इमरती कदम जुड़ता इंशाल्लाह ताला हमारा खुशी भी के इफ्तदाई तकरीब में मौजूदीन मेहमानों का कहना था कि हमें बहुत खुशी हुई। वाशी न्यूज़ से बात करते हुए अब्दुल मजीद ने कहा, इस साल की तरह हर साल प्रोग्राम जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ अली बख्श बलोच, वाशी न्यूज़ कराची।